तो जीटी वर्सेस सीएसके आईपीएल का ये फाइनल, कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम रह जाएगी मात्र एक कदम दूर उस कप से? क्या जीटी दूसरी बार बैक टू बैक ये कप उठाने वाली है या सीएसके पांचवी बार कप उठाएगी? और महेंद्र सिंह धोनी का क्या ये आखिरी आईपीएल है? क्या कुछ रहेगा इस पिच का मिजाज और क्या बारिश यहां पर कलर डाल सकती है? क्या कुछ होने वाला है आज इस मैच में? इन सब बातों पर करेंगे चर्चा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से बात करेंगे आज के बहुत ही बड़े हॉट टॉपिक की, जगह है आईपीएल का फाइनल। जी हाँ, जीटी वर्सेस सीएसके, 2 महीने और 70 मैच, 70 और 2 क्वालिफायर जोड़ ले तो 70-72 मैच के बाद हमें मिल चुके हैं अपने फाइनलिस्ट, जहां एक तरफ होगी जीटी, वहीं सामने होगी उसकी 4 बार की चैंपियन सीएसके। तो महेंद्र सिंह धोनी के पास जितना एक्सपीरियंस है, उससे क्या हार्दिक पांड्या की जो गुजरात की टीम है पार पा पाएगी? या गुजरात की टीम जिस तरीके से अभी तक पिछले साल से लेकर अभी तक ऐसे खेल रही है, मानो बहुत ही तगड़ी टीम और कोई भी इनकी टक्कर में नहीं है, बेहतरीन रही है अभी तक पिछले साल से लेकर इस साल की अगर हम देखें तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है। वैसा ही कुछ इन्होंने दिखाया हमें क्वालिफायर 2 में भी, जहां मुंबई को इन्होंने पूरी तरीके से बाहर कर दिया था। भाई साहब 233 रन का लक्ष्य, बेहतरीन इनिंग खेली थी सुमन गिल ने और बता दिया कि गुजरात क्यों है बेहतरीन टीम। वहीं सामने सीएसके है, जिसने इनको क्वालिफायर 1 में हराया था और इनको मजबूर किया था एलिमिनेटर खेल क्वालिफायर 2 खेलने में। तो क्या जीटी पहले मैच की हार का बदला लेगी या वो एक बार फिर से हार जाएगी और सीएसके 5 बार कप उठा लेगी? क्या रहेगा मैच का रिजल्ट, ये मैं बताऊंगा तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, पूरी देखना। लास्ट में तो पता चल जाएगा कि ये कौन जीतने वाला है मैच से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीएल में इन दोनों टीमों की भिड़ंत की। पहला मैच जब ये दोनों भिड़े थे अहमदाबाद के उस ग्राउंड में, जो कि इस आईपीएल का पहला मैच था, वहां पर बाजी मार ली थी जीटी ने, पर उस हार का बदला लिया सीएसके ने, कहां पर सीधा आगे क्वालिफायर 1 में और बहुत तगड़ी चोट दी थी और मजबूर कर दिया था क्वालिफायर 2 खेलने में, और सीएसके ने वहां से सीधा रास्ता बनाया अपना फाइनल में और जीटी गई क्वालिफायर 2 खेलने मुंबई के साथ, और वहां से अब जीत के आ रही है दोबारा से सीएसके के सामने। तो अभी तक 1-1 चल रहा है, फाइनल बाजी कौन मारेगा ये तो तुम्हें समय बताएगा, और समय से बताने पहले आया हूँ मैं तो ही दूंगा। तो बोले बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की। तो थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों ही टीमों के प्लेयर्स में, तो जहां ओपनिंग की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, 3 शतक मार चुके हैं और बहुत ही अपनी बिल्कुल पीक पर चल रहे हैं फॉर्म में। वहीं सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़, जो चल रहे हैं एक बार फिर से फॉर्म में, पिछले 2-3 सालों से कंसिस्टेंस रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं सुमन गिल के साथ आते हैं रिधिमन साहा, जो कि पावर प्ले का बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया फायदा उठाते हैं। वहीं सामने उनके होंगे कॉनवे, जो भी चल रहे हैं फॉर्म में और वो भी पावर प्ले का बहुत ही बेहतरीन फायदा उठाते हैं। वहीं फर्स्ट डाउन आते हैं या तो साई सुदर्शन आते हैं या हार्दिक पांड्या, सिचुएशन पे बेस रहता है जीटी की कौन सा खिलाड़ी जाएगा, पर दोनों ही खिलाड़ी फॉर्म से जूझ रहे हैं तो ये थोड़ा सा उनका माइनस पॉइंट हो जाता है जीटी के लिए। वहीं सामने फर्स्ट डाउन आते हैं शिवम दुबे, भाई साहब इतनी भयंकर फॉर्म में चल रहे हैं कि कोई सा भी ग्राउंड हो, कोई सा भी गेंदबाज हो, गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का पूरा पूरा मादा रखते हैं और बिना ज्यादा फुटवर्क के खड़े खड़े छक्के मारने का मादा रखते हैं, तो शिवम दुबे चल रहे हैं जबरदस्त फॉर्म में। वहीं इसके बाद आपको दिखते हैं या तो मिलर दिखते हैं या तेवतिया दिखते हैं, जो कि इस आईपीएल में उतने अच्छी फॉर्म में रहे नहीं है। वहीं सामने आपको दिखेंगे अजिंक्य रहाणे, जो कि बहुत ही तगड़ी फॉर्म में, मोइन अली भी दिखते हैं, रायडू भी दिखते हैं, सब सिचुएशन बेस्ड है कि भैया अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो फिर सीधा हार्ड हिटर उतरते हैं, नहीं तो रायडू उतरते हैं जो कि बैलेंस बनाए और टीम को थोड़ा आगे ले जाए मैच को। वहीं गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो जीटी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है अपने गेंदबाजों को लेकर, वहीं इस बार बिल्कुल परफेक्ट सामने हो रहा है सीएसके गेंदबाजों का, जब सीएसके ने त्रास लिए अपने 5 मेन गेंदबाज जो कि चल रहे हैं फॉर्म में, जहां एक तरफ होंगे मोहम्मद सामी, राशिद खान और नूर अहमद, तो वहीं सामने आपको दिखेंगे कौन, दीपक चहर, पथिराना और स्पिन का तड़का लगाते हैं रविंद्र जडेजा। तो बहुत ही लेवल का मैच है, दोनों तरफ ऑलराउंडर स्पिनर तुम्हें दिखेंगे, राशिद खान वर्सेस जडेजा की लड़ाई दिखेगी, तो तगड़ा मजा आने वाला है इस फाइनल में। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं अब अहमदाबाद के ग्राउंड की, तो बहुत ही
बेहतरीन ये ग्राउंड रहेगा कल, अगर आप देखेंगे तो भाई साहब सजा धजा रहेगा बिल्कुल, और रनों से भरी हुई पिच होगी। बारिश थोड़ी सी कलर यहाँ पे डाल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि बारिश के थोड़े से चांसेस हैं। अगर नहीं होती है तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और होती है तो फाइनल का थोड़ा सा मजा किरकिरा हो सकता है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं अब टॉस की, तो फाइनल मैच है। वैसे तो टीमें चाहती है कि बड़े मैच में पहले खेल के एक अच्छा स्कोर दें और सामने वाली टीम को दबाव में डाल दें, तो वो टॉस यहाँ पर दोनों तरीके से रहेगा, पर ड्यू आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो दोनों ही टीमें चाहेंगी कि टॉस जीता जाए और चेस किया जाए ताकि उसका पूरा फायदा उठाया जाए। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, प्लेइंग 11 में तुम्हें चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जो टीम क्वालिफायर 1 में दिखी थी तुम्हें दोनों की, वही उतरने वाली है कल भी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मैच के रिजल्ट की, तो मुझे लगता है चेन्नई कल पांचवी बार अपना ये कप उठाने वाली है। आप भी कमेंट करके जरूर बताओ आपको क्या लगता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए